हाँ भाई, इसी ने मुझे कहा था कि लास्ट पैक पीने के बाद प्रलय आ जाएगा। नमस्ते साहब, आप महान हैं साहब। क्या हो गया है भाई? साहब जी, क्या है, इतने लोग जमा हैं? साहब जी, आपने कमाल कर दिया साहब। मैंने क्या कमाल किया? देखा भाइयों, सब कुछ करके इतनी मासूमियत से पूछ रहे जैसे इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। हाँ, मैंने कुछ किया था क्या? साहब जी, इन गांव वालों की खुशी के लिए आपने अपनी जान को हथेली पर रखकर आखिरी पैक पीकर इसे मार डाला साहब। लेकिन आप ऐसा नाटक क्यों कर रहे हैं जैसे आपने कुछ किया ही नहीं है? मैंने साहब, आप भगवान हैं। भगवान भगवान है साहब, भगवान आप मेरे भगवान। ठीक है भाई, ठीक है साहब। मैंने शिव शरण को मार डाला। रात को आपने कहा था ना, इसे मारे बिना चैन से नहीं सोऊंगा, और इसीलिए इतने दिनों से आपने आखिरी पैक भी नहीं पिया था। उसे मार करके आप हमें उसके आतंक से बचाएंगे, ये आपने ही कहा था ना साहब? मैंने कहा था क्या? हाँ साहब, इसे मैंने सच में मारा है क्या यार? अगर आपने कहा कि आपने उसे नहीं मारा है तो आपकी बहुत बेइज्जती होगी साहब, इसलिए अब आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। हाँ। आपने मामूली आदमी को नहीं मारा है। हाँ। वो संभा शिवम है, बहुत खतरनाक भयानक गुंडा। ऐसे खतरनाक आदमी को मारने वाले आप हीरो हैं, वीर हैं आप, वीर। यस। अगर आपने ये बात नहीं मानी तो जैसे इसको लटकाया गया है ना, वैसे ही लोग आपको मार के लटका देंगे। साहब आप एक रियल रियल हीरो हैं। कोई शिव शरण को मार पाएगा? तुम सब पागल हो गए हो क्या? मुंह बंद कर, कंट्रोल योर टंग। कंटिन्यू कंटिन्यू, बहुत अच्छा बहुत अच्छा है। यस, शिव शरण को मारा है मैंने। मैंने, आई ओनली किल हिम। यस, तेरे जैसे लोग माने या ना माने मुझे परवाह नहीं है, बेवकूफ कहीं के। जय साहब जी, फोटोग्राफर को बुला। ए धरा। हाँ साहब, कम ऑन। साहब जी, लाश के पास जाइए, उसके साथ में फोटो खिंचवाइए। ओके, अच्छी फोटो आएगी। चाहिए चाहिए, पास में। साहब थोड़ा पास में आइए ना साहब, आइए ना साहब। अरे क्या कर रहे हैं, आइए ना आइए, थोड़ा सा और पास में। अरे कहो ना, पास आइए। हाँ ऐसे ही, चल खींचना। सबको बता दूं, सच्चाई दिखा दूं, मैं तो दिल से दुआ करूं, मन बोले है बता दूं। तो बड़ी छोटा मुँह इनको चांद या सूरज कहूं, जग में इनका ही नाम जपूं, ये तो है पांडू, ये तो है पांडू, ये तो है पांडू। हाँ ये तो करे सभी लोगों की कदर, काले धंधों पे है इनकी नजर, पिंके टन रहे करते हैं जन सेवा। अरे रुके जय साहब जी, क्या कह रहा है ये? अभी आया। कम ऑन इसे। आ गया साहब जी, यहाँ। ये क्या है रे, सूरज रोशनी अंधेरा सितारे, ये सब क्या है? साहब जी, आपके बचपन के बारे में। मेरे बचपन के बारे में? मैंने तो इन गांव वालों के लिए चचा चचा चचा। तू करेक्ट है, तू एक काम कर। जी साहब। इसके जैसी बड़ी बड़ी बखान मत करना, छोटी छोटी बातें कह कर गा, तू समझ गया ना? चल अब गा। मैं? हाँ यार, तू अपने मुंह से गा। अरे बाप रे, सॉरी आई एम सॉरी, इट्स ओके इट्स ओके, चल गा। गाऊं? गा। जी साहब जी, गा ना बेटा। अबे बजा ना। हाँ ये अपने राजा, खाए माल ताजा, पेट इनका मोटा, दुनिया भर को लूटा, पुलिस का स्लोगन है 420 करना रे। क्या हुआ? कम हियर। जो आपने कहा था वही तो गा रहा था। ये क्या तू गा रहा था? कुछ नहीं, बस तुक मिलाने के लिए। वो सही गा रहा था, मैं समझ तो नहीं रहा था। देख मुझे ये पसंद नहीं है। एक काम कर, मुझे ज्यादा ऊपर भी मत चढ़ा और ज्यादा नीचे भी मत गिरा, मीडियम में रख के गाना। यू कैन डू बेटर प्लीज यार। जैसा आपका हुकुम साहब जी, बजाओ। अरे सब इन्हें जान लो, फूलों के हार दो, बात सभी इनकी करो, ये अपने दाता है इनसे डरो। है सबको ही पता, वीर है शूर है सुपर है, सब जान लो, ये है तो बड़े सिंपल पर डेंजर है क्यों।
लेके जब ये निकलते ऑल इन वन जैसे देखते। ये तो शेर है बब्बर शेर है करते सबको काबू काबू का। उसका मतलब कुछ नहीं बजावे। ये तो है पांडू, ये तो है पांडू, ये तो है पांडू, ये तो है पांडू। वाह इन्हें देखो कोई भी ना इन्हें रोको मन से है ये तो राजा देखो ना। नहीं कम किसी से ये हुए तूने अभी से ये फिर भी बड़ा है इनका स्टैमिना। ये बॉडी कभी थके ना राजा पांडू सिंगल हैंडेड डर देना कभी कभी ना इनसे कॉमेडी करना। ये देखो गाड़ी पे चढ़े अभी के अभी देखो तुम सभी। उसके आगे क्या उसके आगे नाचो भाई 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 सर ये देखो। अरे स्टेप बदलो रे स्टेप बदलो ऐसे ही क्या बात है। अरे साहब जी आया। बोलिए साहब। ये जमीन ही नहीं ये पूरा गांव ही नहीं सारे गाने वाले मेरे आदमी हैं। तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है साहब जी। बिंदास का खूब खुल के गा चल गाना शुरू कर। मालिक आप तो भगवान है मालिक। साहब जी आप मारेंगे तो नहीं? चल गा। बहुत थक गया हूँ साहब। गाना जाने दो ना साहब। आज तुझे लास्ट पैक पीना ही पड़ेगा। मैंने लास्ट पैक पी लिया तो प्रलय आ जाएगा बेटा। कोई बात नहीं आने दे प्रलय तू लास्ट पैक। नमस्ते सर। सॉरी सर आपको डिस्टर्ब किया अभी आप बिजी हैं मैं बाद में मिलता हूँ। यू कंटिन्यू। रुको यार कंटिन्यू करने के लिए शो थोड़ी चल रहा है क्या काम है? हाँ तुम यही रोको। यहाँ क्या चल रहा है बताएंगे? अरे वो ये तुमको क्या बताएगा साहब मैं तुमको बताता हूँ। हाँ बताइए। छह महीने पहले तक मुझे नहीं पता था साहब कि शराब क्या चीज होती है। इसने मुझे लास्ट पैक की स्टोरी सुना सुना कर एकदम बेवड़ा बना दिया साहब। और अब ये पी भी ले रहा है साहब। लास्ट पैक पीने के बाद प्रलय बहुत बड़ा प्रलय आ जाएगा ऐसा बोलता है साहब। मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई इसी की वजह से। इसी की वजह से साहब। ए अगर तूने आज लास्ट पैक नहीं पिया ना तो मैं आज तेरा भड़क करके जंगल में छिप जाऊंगा। अरे यार तू ही जरा समझाना। क्या मैं? शेफ आप सही है आप बता। आप देखता हूँ कहाँ से आता है प्रलय। यहाँ अब तो ठीक है। ओके साहब। कहाँ गया वो? सर अभी आपने लास्ट पैक पीकर उसे मारा था ना वो भाग गया। मैंने लास्ट पैक पीकर उसको मारा? हाँ मारा। अरे वो भाग गया? हाँ। इधर या उधर? उधर उधर। यस सीधा उधर ही भाग गया। हाँ उधर ही भाग गया। मैंने उसे मारा क्या? आपने ही उसे मारा मैं उसका गवाह हूँ। ओके तुमने मुझ पर भरोसा किया उसके लिए बहुत शुक्रिया। क्या फायदा सर? हाँ अरे वो बेवकूफ अशोक आप पर भरोसा नहीं कर रहा है। सेवा शिवम को पकड़ने के लिए पप्पू से पूछने की बात कर रहा है। क्या कहा उसने? अपने मुंह से नहीं कह सकता सर। बोलना भाई क्या कहा उसने? गंदी गालियां दे रहा था सर। मुझे गाली दिया? क्या गाली दिया? पापी कुत्ता कमीना का। पापी कुत्ते कमीने। क्यों रे? इतना नहीं उसने बेवड़ा भी कहा सर। कुत्ता बेवड़ा। कुत्ते कमीने बेवड़े। एनी मोर? इतना ही नहीं सर आपका सपोर्ट करने के लिए मुझे भी गाली दी सर। तुझे भी गाली दी? हाँ। क्या गाली दी भाई? अरे क्या रे हीरो ऐसा कहा सर। क्या रे हीरो? मुंह में उंगली रखूंगा तो भी नहीं काट सकता ये कहा सर। ओहो हीरो के बच्चे मुंह में उंगली डालने के बाद भी नहीं काट सकता। ओके पहले की दो गालियां तो समझ में आती हैं लेकिन बाद में जो दो गालियां दी उसमें करेक्शन करना चाहिए ना भाई। सर हाँ? मेरी बात आप जाने दीजिए। हाँ? संभा स्वामी को आपसे पहले पकड़ने का दावा किया है। इम्पॉसिबल। नो वे। नो वे? यस हाउ?
वो जो शिव शरण है ना, वो पास के जंगल में झोपड़ी बनाकर सबके साथ रहता है। हाँ। पप्पू राय ओनली नो दैट, और उस डेंजरस प्लेस को सिर्फ पप्पू राय ही जानता है। रियली रियली सॉरी सर। अब किस लिए सॉरी?